स्वर्ग कहूँ या श्री मदमहेश्वर जी, बात तो एक ही है, हर हर महादेव। नदी पहाड़ी दौड़ी थैंकू। प्यारा सा तालाब है और इस तालाब को बनाने वाला जो झरना है वो देखो कितना। लेकिन इनको सब्जी की पड़ी हुई है, हम सब्जी खुद लेके जाएंगे वाले यहाँ से ऊपर। और ये है पहाड़ की स्वादिष्ट सब्जी। यहाँ से पहला गांव हो गया गोंडार मधमेश्वर घाटी का, और अगर उस साइड से लगाएं तो ये आखिरी गांव है गोंडार मधमेश्वर घाटी का। तो गांव के छोटे छोटे बच्चे भी कितने होनहार और कितने एक्सपर्ट होते हैं हर प्रकार के कामों में। फाइनली 9.5 घंटे की कठिन तपस्या करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मधमेश्वर धाम में। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 7 बजने वाले हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव से काफ़ी दूर उखीमठ मार्केट से। और मैं लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा अगस्तमुनि में था, तो वहां से सुबह सुबह निकल गए तो ब्लॉग बनाने का मतलब टाइम ही नहीं मिला। तो मैं एक प्यारी सी लोकेशन पे अभी खड़ा हूँ, मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं जो कि उखीमठ से थोड़ा आगे है। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बनाया गया है, तो मैंने बोला व्यू पॉइंट में व्यू का आनंद लेते हैं और साथ साथ में आपको भी दिलाते हैं ब्लॉग के जरिए। तो ये नीचे आप देख सकते हैं, ये है पूरा उखीमठ, और उखीमठ में बीच में यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पर विराजमान है ओंकारेश्वर महादेव। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले हम गए थे और यहीं से हमने केदार बाबा की यात्रा अपनी शुरू की थी। बाकी सामने मैं आपको दिखाऊं तो यह है खूबसूरत सा मार्केट गुप्त काशी। तो ओंकारेश्वर मंदिर से सिर्फ केदारनाथ बाबा की यात्रा शुरू नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर मधमेश्वर बाबा भी 6 महीने यहीं पर रहते हैं, उनकी भी शीतकालीन गद्दी यहीं पर है। और आज हम आपको लेके जाने वाले हैं मधमेश्वर धाम में, जहाँ पर द्वितीय केदार मधमेश्वर महाराज विराजमान हैं। और आज के जो मेरे साथी हैं यहाँ पर हमारे भेजी, सभी दोस्तों को नमस्ते, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर से आ गए हम अपने प्रमोद भाई के साथ, और दो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हमारे साथ हैं जो कि यहाँ पर खेल रहे हैं, प्रियांशु और अंशु। चले फिर आगे बढ़े। तो आज हम 4 लोग साथ में मधमेश्वर बाबा की यात्रा करने वाले हैं। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंचे हैं रांसी गांव के पास में, वैसे थोड़ा आगे निकल गए हैं। तो रांसी गांव जो मधमेश्वर बाबा की यात्रा है उसका एक मुख्य पड़ाव है, और रांसी गांव आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, खूबसूरत सा प्यारा गांव, काफ़ी बढ़िया मुझे रांसी गांव लगा है। जब लास्ट टाइम पर भी मैं आया था तो रांसी गांव में पूरा घूमा था, तो बड़ा प्यारा खूबसूरत गाँव है। और बिल्कुल मतलब ये देखिए एक धार टाइप की है ना, वहाँ ऊपर से ऐसे में तो बीच में बसा हुआ है ये रांसी गांव। तो रांसी गांव से थोड़ा आगे लगभग 2 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है अकतोली धार। तो अभी अकतोली धार पे मैं खड़ा हूँ, और अकतोली धार पर ही लास्ट स्टॉप है गाड़ियों का। इससे आगे की जो यात्रा होगी मधमेश्वर धाम तक की वो होगी पैदल यात्रा। और यहाँ पर हम थोड़ा इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया था, और तो खाली पेट इतना लंबा सफ़र करना सही नहीं है, थोड़ा बहुत तो पेट पूजा होनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे फिर आगे बढ़ने वाले हैं। तो अभी हम जहाँ पर नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं ना, तो यहाँ पर हमारा नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार होने ही वाला है, और नाश्ता बना रहे हैं हमारी दीदी जी। और दीदी जी हमारी वीडियो देखते हैं वल कब से, काफ़ी टाइम से, तो दीदी को हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, वल देखते ही दीदी ने मुझे पहचान लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और गर्मा गर्म पराठे बना रहे हैं तो उसके लिए भी धन्यवाद। मतलब दुकान दिन भर खुला रहती है, अभी 6 महीने हैं तो ड्यूटी लगी हुई है 6 महीने की, दीदी लोग यहीं पर रहते हैं, शाम को जाते हैं वल वापसी रांसी गाँव। तो दीदी के हाथों के बने हुए स्वादिष्ट पराठे तैयार हो चुके हैं, बाकी यहाँ देखो तीनों लोग लग चुके हैं खाने पे, लेकिन मैं तब तक नहीं खाने वाला हूँ जब तक चाय नहीं आई, क्योंकि चाय के साथ पराठे खाने का अलग ही मज़ा है। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ गई है, हमारी चाय। तो अब फटाफट मैं भी चाय और नाश्ते का आनंद ले लेता हूँ।
तो अभी नाश्ता करने के बाद जैसे ही हमने पैदल यात्रा शुरू की तो वैसे ही संकट में हम पड़ गए हैं, क्योंकि आगे रोड जा रही है ये वाली गोंडार तक, तो इसका कटिंग का काम चल रहा है, तो बोल रहे हैं इस रास्ते आप नहीं जा सकते हो अभी। तो अभी हम वापसी भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि फिर उतनी दूर हमको जाना पड़ेगा। तो अपने पहाड़ी दो भाई चल पड़े यहाँ से इस चढ़ाई पे चढ़ने में, तो चलो यहाँ से ही थोड़ा चढ़ते हैं। तो भोलेनाथ अभी से हमारी परीक्षा लेने बैठ गए हैं ऐसे खतरनाक रास्तों से, अब हमको चढ़ना पड़ेगा। पुराना रास्ता तो मैंने देख रखा था, मैं पहले जा रखा हूँ, लेकिन ये पहली बार जा रहा हूँ इस रास्ते से, तो कठिन तो लग रहा है थोड़ा बहुत, पर बाबा ने बुलाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आएगा पूरे रास्ते में। तो अभी हम लगभग चले होंगे 2 किलोमीटर और उसके बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, क्योंकि हमको यहाँ पर हमारा एक छोटा भाई मिला है रांसी गांव का, तो छोटा भाई यहाँ पर जूस पिलाएगा हमको। वैसे जूस तो हमने पी रखा है, ये माल्टे का भी हो गया और पुरांस का भी हो गया, लेकिन नींबू पानी भी है बोल, तो नींबू पानी का ही हम आनंद लेने वाले हैं। तो गाँव के छोटे छोटे बच्चे भी कितने होनहार और कितने एक्सपर्ट होते हैं हर प्रकार के कामों में, मैं वैसे गाँव में आपको दिखाता रहता हूँ, लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसी कुछ यात्राएं चलती नहीं हैं, तो छोटे बच्चे ऐसे कुछ दिखे नहीं मुझे कभी काम करते हुए, लेकिन यहाँ पर दिखा तो गर्मियों की छुट्टी का आनंद ले रहे हैं बोला आजकल स्कूलों की छुट्टी है तो भुला यहाँ पर लगा हुआ है जूस पिलाने पे। चलो भाई मिल गया है हमको यहाँ पर नींबू पानी, और यहाँ पर बोड़ा जी भी आ गए, और बोड़ा जी बोल रहे हालत खराब हो गई बल है पानी लाते लाते, तो पानी बहुत दूर से लाना पड़ रहा है बल। हे भगवान भगवान, जय मधुमेश्वर महाराज। तो सफ़र में जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो स्क्रीन पे देखिए एक प्यारा सा तालाब है, और इस तालाब को बनाने वाला जो झरना है वो देखो कितना और भी ज़्यादा प्यारा है, और ऊपर से पानी की जो धार है वो आ रही है और इस तालाब में समा जा रही है। तो नीचे आपको जो नदी नज़र आ रही है स्क्रीन पे, तो ये है मधुगंगा जो कि आ रही है मधुमेश्वर धाम से, और यहाँ पर देखिए दो अलग अलग भागों में ये नदी बंट रही है और फिर यहाँ पर दोबारा से संगम हो रहा है, तो कितना प्यारा माहौल है, कितना प्यारा नज़ारा है ना। स्वर्ग कहूँ या श्री मधुमेश्वर जी, बात तो एक ही है हर हर महादेव। गोंडार 0 किलोमीटर, तो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं मधुमेश्वर घाटी के आखिरी बोलो या पहला बोलो, यहाँ से पहला गांव हो गया गोंडार मधुमेश्वर घाटी का, और अगर उस साइड से लगाएं तो ये आखिरी गांव है गोंडार मधुमेश्वर घाटी का। तो थोड़ा यहाँ पर 5 मिनट रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे,
क्योंकि हमारे भेजी पसीने से तर बतर हो गए हैं भाई। कुछ चाय पानी की व्यवस्था करो। चलो चाय बनती है गाड़ी में, मतलब जब तक पेट्रोल नहीं डालोगे ना तो पिकअप नहीं बनाएगी गाड़ी। ठीक है भाई, तो चलो यहाँ पर चाय की व्यवस्था करते हैं। बहुत तेज धूप है लेकिन पहाड़ियों को तो चाय हर टाइम चाहिए भाई, चाहे तेज धूप हो चाहे कुछ हो। तो मधमेश्वर घाटी के आखिरी गांव में हम बॉडी जी के हाथ की चाय पीने वाले हैं। तो गोंडार में चाय पीने के बाद जैसे हम थोड़ा 1 किलोमीटर आगे आए तो ये जगह पड़ती है बंतोली, और पिछले साल यहाँ पर बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। यहाँ पर बादल फटा था और ये बड़ा सा जो लोहे का ब्रिज था वो पूरा टूट गया है, तो सोचिए किस प्रकार की त्रासदी यहाँ पर हुई होगी। तो ये पुल टूटा और उसके बाद एक टेम्परेरी पुल बनाया गया था, ये नीचे वाला आप देख सकते हैं पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है, अभी भी मतलब ठीक ठाक है। बाकी यहाँ एक और नया पुल बनाया हुआ है इस साल और ये भी पूरा लकड़ी का पुल है, और ऐसे पुल ना लकड़ी के बहुत कम आज की डेट में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ ये भी दिख रहे हैं, तो अच्छा लगा कि पुरानी चीज़ें अभी भी जिंदा हैं। दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो गर्मी से राहत के लिए मधुगंगा यहाँ पर बह रही है, तो हमने सोचा मधुगंगा में थोड़ा नहाने का आनंद लिया जाए। और मधुगंगा का जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि ये पानी आ रहा है बर्फ के ठंडे ठंडे ग्लेशियरों से। और चलो नहाते हैं और फिर निकलते हैं ऊपर की चढ़ाई पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और आगे और भी ज़्यादा गर्मी होने वाली है, लेकिन ऊपर हमको पानी मिलेगा नहीं तो इसीलिए मधुगंगा में ही स्नान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्यों जी? बहुत बढ़िया जी, आनंद आएगा। आनंद हाँ ना, अंदर नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, बस किला। हाँ हाँ, तो हम किनारे पे नहाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम बीच में चले जाएंगे, किनारे पे नहाएंगे आराम से एकदम बढ़िया तरीके से, कोई मतलब रिस्क नहीं लेंगे। बड़ा दोस्तों अभी नहा के तो एकदम बढ़िया मजा आ गया, लेकिन पानी इतना ज्यादा ठंडा था ना, मतलब 10 से 15 सेकंड आदमी उस पानी में रह नहीं सकता है। पर चलो एकदम ठंडी पूरी बॉडी हो गई है, अब गर्मी में चलने में आनंद आएगा, और साथ साथ में एनर्जी के लिए यहाँ पर छोटे बच्चे बिस्किट खरीद रहे हैं, और यहाँ पर हमारे एक भाई जी हैं जिनकी दुकान खोल रखी है। सफ़र शुरू किया है तो मंजिल तक जाना है, पीछे अब ना देखेंगे, सफ़र बहुत सुहाना है। तो अभी मधमेश्वर धाम की जो चढ़ाई है वो मैं चढ़ रहा हूँ, और ठंडी ठंडी हवाओं का भी साथ साथ में आनंद ले रहा हूँ। और चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते हमको हमारा एक अमीर भाई मिला है, बोल रहा हूँ मैं इस क्षेत्र का सबसे अमीर इंसान हूँ बल, और पैसे दिखा रहा हूँ, मुझे बता दो कितने हैं। ये देखो 5 मिनट में इतने पैसे कमाता हूँ बल मैं, ये देखो। और इसने 4 रुपए मुझे भी दिए हैं, ये देखो, ये पैसे फेंक दिए उसने सारे। तो इस पूरे रूट पे आपको छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि जूस जास बेच रहे हैं, और ये ऊपर चले गया है एक, ये भी है ये तो सेम वैसे ही लग रहा है टेंगे टेंगे वाला, और ये मेरा डंडा भी ले गया। और बिल्कुल भी डर नहीं है इसको। भैजी हम तो शहर को कुछ पता नहीं रोने, हम चिना पहाड़ी, तुम तो पता बोलो भैजी पहाड़ी डर तंचे। थैंक यू, वेलकम। और ये देखो सारे पैसे मेरे को दे दे, चल हाथ में डंडा मारूंगा, पैसे छोड़ो।
ले चल, पहले दे दिया और वापस भी मांग रहे हैं। सावास। अच्छा थैंक यू। अब तो बिटन ना दे दे यार, चलता हूँ मैं अब, फिर कल मिलूंगा ठीक है। धीरे धीरे चल, जा मेरे शेर उसे डंडा लेके आ जा। चीते अब चीता वाले शेर से पंगा लेगा देखो है। अब बिल्कुल डर तो है ही नहीं इनके अंदर, बोल भी रहा है मैं पहाड़ी हूँ बोल मैं डरता नहीं हूँ। धीरे अब उसके बदले तुमको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। हाँ ला ला फटाफट पैसे दे, मेरे करोड़ों का डंडा तोड़ दिया इन्होंने। हाँ दे दे जल्दी दा। कहाँ के पैसे? पैसे वाले पैसे? किसी पैसे नहीं। लड़ाई करेगा तो मेरे साथ यहाँ बब्बर से मेरे लिए गए क्या? मार भी रहा है मेरे को यार। गुरजी की मार भी खाई तूने स्कूल में ऐसे? गाइस हम बहुत मार खाते थे। अरे भी खाते हैं गाइस देखो, नको तो कुछ डर नहीं है। ये मेरे को ही मार रहा है। चल एक और डंडा दे वहां से, वो पाइप दे मेरे को। यात्रा तो पैदल कर रहे हैं। तो अपने छोटे छोटे भाइयों के साथ थोड़ा मजाक मस्ती करने के बाद एक बार फिर मैं चल पड़ा हूँ मधमेश्वर धाम की चढ़ाई पर, और काफ़ी तेज़ वाली धूप लगी हुई है, और अभी लगभग हमको चलना है 4.5 किलोमीटर। और यहाँ पर भाई साहब अरे हर महादेव अरे आनंद आनंद भाई साहब, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर मन में श्रद्धा हो ना, सच्ची श्रद्धा हो तो 4.5 किलोमीटर क्या भाई साहब, अभी तो हम चल सकते हैं 20 किलोमीटर और चलेंगे आराम से भाई। भाग भागी है। हाँ, धीरे धीरे चलेंगे। और मैं वही बोला था कि अब बाबा जी ने बुलावा दिया है, तो चाहे अब कितना भी किलोमीटर हो हम आसानी से चल सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे सामने देखिए बर्फ से ढकी जो चोटियां हैं वो भी दिखना चालू हो गई है, और कितनी प्यारी प्यारी नज़र आ रही है ना। अभी थोड़ा वहाँ काले बादल आ रखे हैं, थोड़ा धुंध है, इस वजह से ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रही है, लेकिन जैसे ऊपर बढ़ेंगे हम तो और ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मधमेश्वर धाम चले आना। हर हर महादेव। और हमारे प्रियांशु भाई के हाल आप देख सकते हैं, रास्ते में चलते चलते थकान तो जितनी लग रही है वो बात अलग है, लेकिन इनको सब्जी की पड़ी हुई है। हम सब्जी खुद लेके जाएंगे वाली यहाँ से ऊपर, और ये है पहाड़ की स्वादिष्ट सब्जी लिंगोड़ा, इसको बोलते हैं हम। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ कितनी सब्जी इकट्ठा कर पाते हो तुम आज रास्ते में। ये देखो लगा है प्रियांशु भाई, आज हमको लिंगोड़े की ही भुजी खानी है मधमेश्वर धाम में। फाइनली 9.5 घंटे की कठिन तपस्या करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मधमेश्वर धाम में, और इतना लेट तो नहीं लगना था हमको, लेकिन हमारे साथ के जो भाई लोग हैं वो धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर जल्दी पहुंच गया हूँ और आपको अब मधमेश्वर धाम के दूर से दर्शन कराई देते हैं।
पास में, तो मैं तभी जाऊंगा जब हमारे सब भाई लोग पहुंच जाएंगे। तो दूर से ये देखिए यहाँ पर विराजमान हैं बाबा मदमेश्वर द्वितीय केदार। तो हमारे साथी तो पहुंचे नहीं हैं, लेकिन मैं ही आ गया हूं बाबा के दरबार में। तो सामने स्क्रीन पे देखिए बाबा का खूबसूरत सा मंदिर, और अब यहां पर आरती की तैयारी हो रही है। तो बस वही सोच के मैं आया था फटाफट कि मुझे आरती में शामिल होना है, और यहां पर और भी सब भक्त लोग इंतज़ार कर रहे हैं बस आरती का। तो जैसे ही आरती शुरू होगी हम लोग सब आरती में शामिल होंगे। तो अभी देखिए अंधेरा हो गया है क्योंकि हम आरती में भी शामिल हुए थे, तो आरती काफ़ी लंबी चलती है, साथ साथ में यहाँ पर अच्छे से दर्शन भी हो गए हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, कम ही सरदारों लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो अच्छे से दर्शन भी हो पा रहे हैं। और रात के समय में बाबा मदमेश्वर धाम का जो मंदिर है वो कुछ ऐसे सजा रहता है, तो लाइटें लगा रखी हैं, तो कुछ ऐसा नज़र आता है रात को मदमेश्वर धाम। तो मंदिर से वापसी हम आ चुके हैं, हमने यहाँ पर रूम ले लिया है और रूम एकदम ठीक ठाक है, और यहाँ पर उतने हाई प्राइस भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। जिस हिसाब से लग रहा था कि यहाँ पर व्यवस्थाओं की कमी होगी और रूम हाई रेट के हमको मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे रेट में हमको रूम मिल गया और ठीक ठाक रूम है। और यहाँ दिखाऊं कहाँ लगी इतनी लेट, बहुत लेट पहुंचे तुम। अरे क्या जी, कहाँ खो गए थे? अरे हम जरा रस्ते में खो गए थे, मतलब भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे जरा सा। अच्छा, पर अभी इतने लीन हो गए कि भैया अब लीन होने की मतलब शक्ति नहीं है, अब सो रहे दोस्तों, गुड नाइट सबको। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। भाई तो मैं जल्दी पहुंच गया था जैसे मैंने आपको बताया, तो ये थोड़ा बीच में रुके होंगे कहीं पे, तो फिर उठने का मन नहीं करता जब आदमी बैठ जाता है। तो चलो ये तो सो गए हैं, अभी हम भी सोने की तैयारी करते हैं, और आपको अब मिलेंगे कल सुबह एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव, बाय बाय, टाटा।